पंचायत राज सशक्तिकरण, और पंचायत राज जनता के प्रति जवाबदेह रहे इसके लिए आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री, जो यूनियन टेरिटरी को भी देख रहे हैं, श्री नित्यानंद राय जी, भारत सरकार में केमिकल फर्टिलाइजर नवीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवत कुप्पा जी, इस लोकसभा के माननीय सांसद जामग्याल जी, इस कार्यक्रम के प्रबोधन कार्यक्रम में आए पूर्व मंत्री सांसद श्री सतपाल सिंह जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर जी, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल के, कारगिल के चेयरमैन श्री फिरोज अहमद खान जी, लेह के डेवलपमेंट ऑटोनॉमस काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट श्री त्यासी ग्यालसन जी, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, काउंसिल के सभी सदस्यगण, बीडीसी के सदस्यगण, पंचायत राज के प्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र के सभी अधिकारीगण, झूले नमस्कार। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज लद्दाख के आप लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लद्दाख में जिन्होंने लद्दाख अलग प्रदेश बने इसके लिए अपना बलिदान दिया, मैं उनको भी नमन करता हूं। मुझे आशा है आप सब कुशल होंगे। लद्दाख दुनिया का सबसे खूबसूरत जगहों से एक है, और इसलिए देश और दुनिया के लोग लद्दाख को देखने आते हैं। विदेशी पर्यटक आते हैं, देशी पर्यटक भी बड़ी संख्या के अंदर अब लद्दाख को आते हैं, क्योंकि यहां की खूबसूरती, आसमान छूते पहाड़, सिंधु नदियां, मनोरम ग्लेशियर, सुंदर झीलें, प्राचीन बौद्ध विहार, प्रकृति की अनुपम देन है। इसके साथ साथ यहां के लोग शांति प्रिय है, लेकिन जब देश का सवाल आ जाता है तो देश के लिए अपना बलिदान देने को भी तैयार रहते हैं। इसलिए कारगिल का युद्ध, हमारे सैनिकों का बलिदान,
हमेशा हमारे मन में स्मरण रहता है। भौगोलिक दृष्टि से कई चुनौतियां इस लद्दाख में है, लेकिन इस चुनौतियों का भी मुकाबला करते हुए आप लद्दाख के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और एक आत्मनिर्भर समाज इसके लिए भी आप प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। यहां के निवासियों में जब मैं मिलता हूं तो लद्दाख की होने का अपना आत्मगौरव महसूस करते हैं, सम्मान महसूस करते हैं। एक कठिन जिंदगी जीने के बाद भी मेहनत के आधार पर यहां की संस्कृति और संस्कार के कारण उनकी एक अलग पहचान है। उनके त्याग और बलिदान की कहानियां देश के हर नौजवान को हमेशा देश की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं, यहां के लोगों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, सारी दुनिया के अंदर सब देश लोकतंत्र शासन प्रणाली हो देश में लोकतंत्र हो और बेहतर शासन प्रणाली अगर कोई चला सकता है तो लोकतंत्र के माध्यम से चल सकती है। और ये लोकतंत्र हमारा आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, भारत का लोकतंत्र प्राचीन है। हमारे कार्य में, हमारे जीवन में लोकतंत्र बसा है और इसीलिए लोकतंत्र भारत की आत्मा है। इतना प्राचीनतम लोकतंत्र होने के कारण हमारा लोकतंत्र पर विश्वास है, भरोसा है। लोकतंत्र शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, ये दुनिया में भारत ने दिखाया है। जब आजादी का आंदोलन था उस समय भी महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राम स्वराज और सत्ता का विकेंद्रीकरण में हमारी गहरी आस्था विश्वास है। और धीरे धीरे आजादी के बाद हमने इस दिशा की ओर काम किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमारा ग्रामीण लोकतंत्र मजबूत हो, स्वराज हो और उस स्वराज की परिकल्पना को मैं दूर दराज प्रदेश लद्दाख में देख रहा हूं कि आज इस लद्दाख की दूरदराज गांव में जहां भौगोलिक स्थितियां विपरीत है, एक पंचायत में बहुत दूर दूर तक गांव है, सर्दी के अंदर यहां टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आपने लोकतंत्र को सजीव रखा है। और इस लोकतंत्र और स्वराज को ही आपने ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास का आधार बनाया है। लद्दाख की
प्राचीन व्यवस्थाओं के अंदर भी लोकतंत्र परंपराएं स्पष्ट रूप से मुझे याद दिखती हैं। यहां के गांव में प्रारंभिक रूप से स्वशासन की व्यवस्था हमेशा रही है। गांव में गोवा चुरप मुख्य अधिकारी होते थे, जल वितरण प्रबंध करते थे, कृषि और अन्य कार्यों में भी सहयोग करते थे। तो लद्दाख का लोकतंत्र बहुत प्राचीन है। इस प्राचीन लोकतंत्र को और सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, कैसे हम ग्रामीण जीवन के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति की भावनाओं अपेक्षाओं को इन ग्राम पंचायत के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से, काउंसिल के माध्यम से हम किस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा कर सके, इसकी एक व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। मुझे अभी दोनों काउंसिल के चेयरमैन ने बताया कि किस तरीके से हम संपूर्ण पंचायत इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं को साथ लेकर चलते हैं, सामूहिकता से काम करते हैं, ग्राम पंचायत की अपेक्षा आकांक्षाओं को के आधार पर हम योजनाएं बनाने का काम करते हैं, उन योजनाओं को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। क्योंकि ऑटोनॉमस काउंसिल का काम यह है कि उस डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग बनाए, वहां की सामाजिक आर्थिक, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की शिक्षा स्वास्थ्य अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम बेहतरीन कार्य योजना बनाए। जितना ऑटोनॉमस काउंसिल और पंचायत में आपस में पारस्परिक समन्वय होगा, हम उतना ही क्षेत्र के लिए विकास कर पाएंगे, हम शांति समृद्धि के साथ क्षेत्र का विकास हो। इसके लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र के उस अंतिम व्यक्ति को, जिसका ग्राम पंचायत से सीधा कनेक्ट रहता है, उसके साथ मिलकर हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कार्य योजना बनना चाहिए। और इसीलिए आज काउंसिल के पास बजट की कमी नहीं है। जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग बजट की बात करते हैं, लेकिन मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहां विकास के नए रास्ते खोले हैं। मैं देखता हूं कि सारे इलाके में मैंने देखा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, नया एयरपोर्ट बन रहा है, भविष्य में नया विश्वविद्यालय बनेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर प्लांट लग रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर काम नहीं हो रहा। और पर्यटन की दृष्टि से तो मैं जब फ्लाइट में आया तो उस बोइंग के अंदर 60% लोक सीटें भरी हुई थी। हमारे लोकसभा की और राज्यसभा की 13 से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी
लेह के अंदर आइए, वहां इन्होंने बहुत स्टेट डॉक्टर से चर्चा की है ताकि एक विकास का एक नियोजित ढांचा इस लद्दाख और श्रीनगर में खड़ा किया जा सके। ये स्टैंडिंग कमेटियां जिसमें मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा आधी पार्लियामेंट यहां पर अभी तक आ चुकी है, ये स्टैंडिंग कमेटी अपने सुझाव देगी, आपकी भावनाएं आपकी अपेक्षाओं को सदन में भी रखेगी, सरकार के सामने भी रखेगी ताकि क्षेत्र का और विकास हो सके। इसलिए हम सब सामूहिक मिलकर देश के उन दूर इलाकों के अंदर जहां की भौगोलिक स्थितियां विषम है वहां विकास की व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इसके परिणाम आने वाले समय में आपको दिखेंगे। मित्रों, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व है कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो, सशक्त हो, लोकतंत्र की सभी संस्थाओं में चर्चाएं हो, संवाद हो, आपस में विचारों और अनुभवों को हम साझा कर सकें ताकि हम लोकतंत्र को और सशक्त मजबूत कर सकें। और लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई में मानता हूं ग्राम पंचायत। अगर ग्राम पंचायत के अंदर लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो हमें ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों की भावनाओं का पता चलेगा, उनकी समस्याओं का पता चलेगा, उनकी कठिनाइयों का पता चलेगा और उनकी समस्याएं कठिनाइयां अभाव के आधार पर हम हमारी कार्ययोजना बनाएंगे। इसलिए बेहतर होता है कि लोकतंत्र के अंदर नियमित संवाद होता रहे, नियमित चर्चा होती जाए और नियमित संवाद और चर्चा से जो मंथन होता है उससे अमृत निकलता है, लोगों का कल्याण होता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के आपस में विचार अनुभव से हमें नए इनोवेशन करने की प्रेरणा मिलती है। हम किस तरीके से देश के पंचायतों के अनुभव के आधार पर भी हमारे यहां बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं, अच्छा डेवलपमेंट का प्लान बना सकते हैं, ये जब भी संभव होगा जो नियमित चर्चा होगी, संवाद होगी, ये संस्थाएं लोगों के प्रति और जवाबदेह होगी। और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करें, मजबूत करें, साथ में लोगों का लोकतंत्र के प्रति और विश्वास भरोसा बढ़े। जब हम लोकतंत्र की 75 साल की यात्राएं पूरी करने जा रहे हैं तो इस 75 साल के लोकतंत्र में यह बात सही है कि जनता का विश्वास भरोसा बढ़ा है। जितने भी आम चुनाव हुए हैं उन आम चुनाव में लगातार मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ा है, लोग लोकतंत्र के अंदर चर्चा करने लगे, संवाद करने लगे, अपनी भावनाओं को जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपने अपने सदन में अवगत कराने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए लोकसभा देश की सर्वोच्च संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है
कि जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन लोकतांत्रिक संस्थाओं की अपनी नियम प्रक्रिया होना चाहिए। अभी फिरोज अहमद खान जी ने सही कहा कि जब पंचायत राज के प्रतिनिधि वहां जाएंगे लोकसभा में, वहां की कार्रवाई देखेंगे, चर्चा देखेंगे, संवाद देखेंगे, तो एक प्रेरणा लेकर आएंगे और अपने यहां भी चाहे पंचायत हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे ऑटोनॉमस काउंसिल हो, उनकी बैठ के नियमित हो, नियमित संवाद हो, हर पंचायत अपने अपने रूल प्रोसीजर को बनाए कि हमें एक महीने में 15 दिन में जैसी भौगोलिक स्थिति है उस वहां की भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमें इतनी बैठकें करना चाहिए, इतनी बैठकें ग्राम पंचायत में पंच आए, जब बड़ी आम सभा हो तो ग्रामीण आम सभा के अंदर जनता है, ताकि नीचे तक का हमारा लोकतंत्र का सिस्टम मजबूत हो जाए और उस प्रोसीजर को अगर हम ठीक से बना लेंगे तो विकास भी नियोजित होगा और विकास भी जनभावनाओं के अनुरूप होगा। और इसीलिए मेरा बार बार आग्रह रहता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हमारी अधिकतम जनभागीदारी होना चाहिए। देश की जनता केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को मत देने तक सीमित नहीं रहे, वहां की हर कार्रवाई, वहां की हर गतिविधि के अंदर लगातार उनका संपर्क होना चाहिए। जितनी सजग लोकतांत्रिक संस्थाएं होगी, सतर्क लोकतांत्रिक संस्थाएं होगी, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उतने ही सतर्क और सजग हम जनता को भी बनाएं। और इसके लिए हर संस्था अपने अपने क्षेत्र के अंदर जनभागीदारी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। जब आम आदमी को यह निकलने लगेगा कि मैं भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता हूं, मैं भी अपनी कठिनाइयां समस्याओं को बता सकता हूं और ये लोकतांत्रिक संस्थाएं मेरी समस्याएं, मेरी कठिनाई, मेरे अभाव, मेरे विचारों को के आधार पर काम करना लगेगी, तो लोकतंत्र और सशक्त और मजबूत होगा। और इसलिए मेरा बार बार संसद में भी मानना रहता है कि जितने हम बिल बनाते, कानून बनाते हैं, उन कानूनों के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। कई बार विभाग के लोग कहते हैं हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया, लेकिन पब्लिक डोमेन में डालने के साथ साथ हर कानून बनाते समय जनता के क्या विचार हैं, क्योंकि कानून बनते हैं जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए। कोई भी सरकार कानून बनाने के समय उसका लक्ष्य और उद्देश्य एक ही रहता है कि हम इस कानून के माध्यम से देश की जनता का किस तरीके से कल्याण करा सकते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। कानून के कारण जो अवरोधक उनकी कार्यप्रणाली में आ सकते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता को भी उस कानून के अंदर अपनी भागीदारी रहे, डायरेक्ट भी भागीदारी रहे, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी बने।
जनपद भी कानून बनाते समय संसद हो या विधानसभाएं हो उस समय जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति करें, यह मेरा लगातार प्रयास रहता है। और इसी तरीके का प्रयास देश की और लोकतांत्रिक संस्थाओं में है। मैं देखता हूं कि कई पंचायतें, कई बीडीसी, कई जिला परिषद, कई कौंसिल, कई नगर पालिकाएं, नगर परिषद की बैठकें नियमित नहीं होती, ग्राम सभाएं नहीं होती। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर हम अधिक तक जनता की सक्रिय भागीदारी कैसे निभा सकते हैं, इसमें अलग अलग ग्राम पंचायत अपने प्रोसीजर, अपने सिस्टम को डेवलप करें, नगर पालिकाएं सिस्टम को डेवलप करें, तो शायद हम जनता की भावनाओं के अनुरूप हम प्लान बनाने में सफल होंगे। पहली प्राथमिकता क्या होगी, ये उस लोकतांत्रिक संस्थाओं को समय समय पर जानकारी मिलेगी। और इसीलिए आज लोकतंत्र में केवल समस्या अभावों की चर्चा नहीं होती, अच्छी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या बदलाव हो सकता है, व्यक्ति के सामाजिक जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं, उसके आर्थिक जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, हम किस तरीके से आत्मनिर्भर गांव बने, हमारे उत्पाद, हमारे हस्तकला, हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। आज लद्दाख की कई चीजें जिनका ठीक से जानकारी देश और दुनिया को मिलेगी तो प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये सभी संभव है जब हमारे नीचे स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा, सशक्त होगा। लोकतंत्र व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक विकास में व्यापक परिवर्तन करने का सबसे बड़ा आधार है। आज दुनिया सब एक बाजार हो चुकी है। लद्दाख में क्या उत्पाद दुनिया में बेचा जा सकता है, हम उस उत्पाद की क्वालिटी को, उस उत्पाद से होने वाले फायदे को जब देश और दुनिया को बताएंगे तो लोग उस उत्पाद को खरीदने के लिए लद्दाख में आएंगे। मुझे कल एमपी साहब कई चीजों के बारे में बता रहे थे, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। और इसीलिए मेरा बार बार आग्रह रहता है कि हमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से, हमारी ऑटोनॉमस काउंसिल के माध्यम से हम लोगों के अभाव, समस्या और विकास की योजनाएं तो बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस दिशा के अंदर भी काम करने की आवश्यकता है। आज यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि देश और दुनिया का पर्यटक अब लद्दाख की ओर आने लगा है। आज से 10 साल पहले और आज के हालात देखोगे तो मैं जिस गली में निकला उस गली में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। हम इसको और टूरिज्म पैलेस बना सकते हैं। कई माननीय मंत्री महोदय यहां पर आए थे जिन्होंने यहां पर विंटर स्पोर्ट्स की योजना बनाई है। आज भी पर्यटन मंत्री यहां पर आए, हमारी उनसे चर्चा होनी चाहिए। हम लद्दाख को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर कैसे ला सकते हैं, हमारे अच्छे, जब दुनिया देखेगी
कि सर्दी के अंदर जब वाटर व्हाइट रेगिस्तान को देखेगी तो दुनिया देखेगी, व्हाइट रेगिस्तान को देखना है तो लद्दाख चलो। और कितनी दुनिया के देश है, कितने भारत के पर्यटन हैं जो आज पर्यटन के लिए सर्दी के मौसम को चुनते हैं। और इसीलिए हमें हमारे स्पोर्ट्स, यहां के खान पान, यहां की संस्कृति को दुनिया को बताने की आवश्यकता है। ये लद्दाख एक शांति का संदेश दुनिया को देता है और इसीलिए बौद्ध विचार यहां पर दुनिया में फैले हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने हमेशा करुणा, दया, सहिष्णुता केवल व्यक्ति में नहीं, पशु मुख पशु के अंदर के प्रति भी दया हो, करुणा हो, सहिष्णुता हो, इस भाव को पैदा किया है। इसलिए एक शांति प्रिय प्रदेश जहां देश और दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं, इस दिशा के अंदर में काम करने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर आप सभी को एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि हमें अपने अपने गांव में अपने गांव की प्रगति के लिए संकल्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा विचार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से हम काम करें, एक नई ऊर्जा के साथ काम करें। हम नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान दें। इसके लिए मैं आप सबको आग्रह करता हूं, मुझे आज यहां आकर बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सक्रिय भागीदारी निभाई है। जो बातें, जो विषय आपने यहां रखे हैं, मैं उन विषयों को सरकार तक पहुंचाऊंगा। हमारे गृह राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, आपके विचारों अनुभवों के आधार पर वो यहां की कार्य योजना बनाएंगे। उनके केंद्र बिंदु में लोकतांत्रिक संस्थाएं होगी, यहां की जनता होगी, यहां की जनता का कल्याण होगा, ताकि हम और इस क्षेत्र के विकास और कल्याण के लिए काम कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।